लोग देख सकते हैं कितनी शानदार लाइट लग। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मयंक एस्टूडियो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मैंने अपनी ऑक्टेन राइड करी और इसको राइड करके एकदम मजा आ गया। तो जितना भी काम था मेरा मैंने सब खत्म कर लिया है और मैं पूरा ध्यान अपने यूट्यूब पे देने वाला हूँ, अपनी साइकिलों पे देने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरे को मेरी साइकिलें बनानी है। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा अभी लाइटों का सीजन चल रहा है, हर जगह पर लाइट ही लाइट लगी हुई है। तो अपन अपनी साइकिल में क्यों छोड़े, तो आज अपनी साइकिल में अपन लगाने वाले हैं फ्लोर लाइट। वो किस तरीके से लगानी है वो मेरे दिमाग में पूरा सेट है। तो चलिए, उसके लिए अपन को क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ और ये वीडियो स्टार्ट कर। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपको ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं लाइट बनाने के लिए बार एंड लाइट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी गाइस ब्लू लाइट बहुत कमाल है और बहुत तेज़ जलती है। और यहाँ पे मैंने ये हॉर्न का क्लैंप लिया है, इसको मैंने इस तरीके से बैंड किया है कि अपनी जो लाइट है वो सीधा ज़मीन पे पड़े। और यहाँ पे एक मैं स्विच का भी यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, ये नॉर्मल सा स्विच है। और यहाँ पे दो बैटरी को कंबाइन कर दिया मैंने ताकि इसको पावर आउटपुट अच्छी मिले। और यहाँ पे मेरा प्ले स्टेशन का बॉक्स है, यहाँ पे आपको प्ले स्टेशन की ज़रूरत नहीं चाहिए। इसके अंदर ये सब वायरिंग वगैरह पड़ी हुई है, इसके अंदर टेप है, स्क्रू ड्राइवर है, वायर कटर है, फेविक्विक सब कुछ है जो यहाँ पे काम आने वाला है अपने को। तो चलिए इसको अपन साइकिल में लगाते हैं और वो किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, ये आपको एक लैंप लेना है, कुछ इस तरीके से आपको करना है। जब आप इसको यहाँ पे लगाएं तो इसका जो लाइट का फोकस होगा वो नीचे जाना चाहिए। तो अब मैंने इसको इस तरीके से बैंड किया है, आप अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग इसको बैंड करना। तो इसको अपन लगा कैसे रहे, इसको मैं टेप की यूज़ से लगा सकता हूँ, आप एम सील या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले जल्दी से लगा लेता हूँ। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं जो अपना क्लैंप है वो अच्छी तरीके से लग चुका है और ये ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है। तो अब अपन अपनी बार एंड लाइट लेंगे और इसको यहाँ से लेंगे इसके वायर दोनों और इसको इस तरीके से लगा देंगे ताकि इसका देख सकते हैं फोकस नीचे है एकदम और रात को कमाल लगने वाली है। और फेविक्विक लेंगे, ये रही फेविक्विक, और इससे अपन इसको चिपका देंगे। अगेन गाइज, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मैं फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ पे लगभग अपना काम कंप्लीट हो चुका है, बस वायरिंग बची है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अपनी फ्लोर लाइट नीचे एकदम मस्त लग रही है। आप लोगों को ये कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जल्दी बताना। और यहाँ पे देख सकते हैं जो वायरिंग है, वायरिंग में आपको बता देता हूँ कैसे क्या करनी है। जो आपके ये इसका जो ब्लैक वाला वायर है और ये वाली बैटरी का जो रेड वाला वायर है, तो बस इसको दोनों को मिक्स कर देना और ये बचेगा इसका ब्लैक वायर ये वाली बैटरी का, और ये वाली बैटरी का बचेगा रेड वायर। तो ये इसके नेगेटिव पॉजिटिव में लग जाएगा और आप किसी भी दो स्विच में ये कनेक्ट कर देना स्विच, तो ये भी काम करने लग जाएगा। तो मैं आपको ये जल्दी से करके बताता हूँ और चेकआउट करते लाइक कैसी लग रही है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपनी पूरी फिनिश कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे मैंने वायरिंग भी अच्छे से कर दी है। सो गाइस, लगभग यहाँ पे अपना काम खत्म हो चुका है, बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है। जो मैंने ये दोनों स्विच यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं ये दोनों वर्क नहीं कर रहे, तो इसको अपन साइड में कर देंगे और आप लोगों को इसको डायरेक्ट मैं जला के दिखाऊंगा ये किस तरीके से जल रहा है। हेलो, आप लोग देख सकते हैं कि कैसा ये आउटपुट आ रहा है। सॉरी ये नॉइस के लिए, ये बहुत देर से परेशान करी है मेरे को। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ये लग रहा है। तो आपको मैं इसके डायरेक्ट नाइट के शॉट दिखाता हूँ। और गाइस सॉरी आवाज़ के लिए।